बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मम्मी फेरी व्लॉग एंड कुकिंग में आपको खुश आमदीद। आज मैं आपको एक बड़ी आसान सी चीज़ बताऊँ, ये डिश नहीं है, ये मसाला ही है जो हम मतलब बताते हैं कि ये हमारे पास है तो वो किस तरह बनाना है। वो इस तरह है कि ये अदरक जो है ये हमने छील लिया है, उसको इस तरह के पीस कर लिए हैं, और ये लहसुन भी हमने छील लिया, क्योंकि जब टाइम कम होता है ना तो फौरन। और ये साथ छोटी चमची चाय की नमक की है, और साथ के थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भी है। और ये इसलिए है कि टाइम की बचत के लिए बंदा ये करता है कि इंसान के ये मसाला लहसुन अदरक की पेस्ट बना के रख लेता है, और जब हंडिया अपनी पकानी है तो फौरी तौर पे ना ये फिर काम हो जाती है। और जब ये मसाला पीसना, फिर साथ में थोड़ा सा पानी की भी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वो जब मैं बनाऊँगी तो मैं आपको बताऊँगी। और बास लोग होते हैं कि वो लहसुन अदरक बना के रखते हैं ना, जब वो पेस्ट बनाते हैं तो उनका मसाला जो होता है ना वो ग्रीन हो जाता है, यानी कि सब्ज़ हो जाता है। क्या वजह है, वो क्यों हो जाता है मैं बताऊंगी, तो ये नहीं सब्ज़ होगा। वो इस तरह है कि ये हमने अदरक डाले इसमें, जब ग्राइंडर में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, और ये मैंने साथ ही लहसुन डाल दिया। ये मैंने साथ ही नमक भी डाल दिया इसके अंदर, और अब मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल डालने लगी हूँ। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगी, ये 2 या 4 चम्मच कह लें बस, इसकी वजह से ये आपका जो है ना ये ब्लैक नहीं होगा, सॉरी सब्ज नहीं होगा। और अब आपने थोड़ा सा पानी भी डालना है इसको ग्राइंड करने के लिए। इसको ग्राइंड करके आपसे फिर मिलते हैं, वरना फिर इसका शोर इतना होगा कि वीडियो की समझ ही नहीं आएगी। ये लें जी, ये ग्राइंड कर ली, इसको ठहरे, इसमें से उतार लेते हैं। ये देखें ग्राइंड होके, देख लें इसकी, ये है। अब ये आपका जो हम इसमें डाल लें, ये जो मिक्सचर है ना, ये कोई भी शीशे का जार लेके आप उसमें डाल लें। बिस्मिल्लाह, थोड़ा थोड़ा हो भाई। और इसकी कलर देखें कितना प्यारा, ऑफ वाइट है ना, ये ऐसे ही रहेगा। और रोज़ लहसुन छीनना, काटो और डालो, उस झंझट से बंदा बच जाता है। फटाफट निकाला फ्रिज में से तो प्याज। ऑफिस जाने वाली बच्चियां, यूनिवर्सिटी जाने वाली बच्चियां, स्कूल कॉलेज वाली बच्चियां, मतलब जो जॉब करती है ना, जिनके पास टाइम नहीं है, टाइम की बचत के लिए बंदा ये फटाफट बना लेता है। लेकिन एक बात मैं बता दूं बेटे, अब हम हंडिया बनाएंगे ना, इसका टेस्ट कुछ और होगा, जो हम काट के लहसुन अदरक डालेंगे उसका और होगा, जो फ्रेश कूट के डालेंगे उसका अलग होगा, डाल के ना हमको पीस के डालेंगे उसका टेस्ट और होगा। मतलब नहीं, हर लिहाज से हर चीज़ में टेस्ट डिफरेंट होता है। ये सहूलत तो है, इसकी टेस्ट अलग होगा, और जो आप ऐसे करेंगे इसका टेस्ट अलग होगा। इसी तरह अच्छी तरह इसको अंदर से सारा खाली करके, ये देखें ये सारा हमने डाल लिया, ठीक है। ये देखें, अब ये देख सकती हैं कि ये माशाल्लाह इसका कलर देखें कितना खूबसूरत है, ये देखें आ रहा है। अब आपने इसको ऐसे इसे बंद करके अच्छी तरह टाइट करके आप इसे फ्रिज में रख लेना। और ये अच्छा, ये आप मम्मी इसकी क्वांटिटी भी बता सकती हैं, बता दें कि अगर किसी भी खाने में डालना हो तो 2 चम्मच डाल दें। वो डिपेंड करता है ना आपका सालन, आपने कितना बनाना, कैसा बनाना। अच्छा, वो चाय वाला हो जाए, यानी जैसे ये है ना, ये 2 चम्मच आप डाल दें, ठीक है। बस अगर मकदार ज़्यादा है, सालन ज़्यादा है, तो फिर आप 4 भी डाल सकते हैं, 3 भी डाल सकते हैं, लेकिन एक कम हो जाएगा, 2 तो लाजमी डालें, 2 तो लाजमी डालने पड़ेंगे। अच्छा, इसमें अदरक और लहसुन की जो है वो क्वांटिटी सेम है। यानी अगर आपने 1 पाव अदरक लिया है तो आपने 1 पाव ही लहसुन डाल, या लहसुन थोड़ा ज़्यादा कर, थोड़ा सा ज़्यादा कर लें, कोई बात नहीं। आजकल अदरक बहुत महंगा हो गया है ना, लहसुन सस्ता हुआ। सही बात बताऊँ, इतना महंगा हो गया कि बच्चे क्या अदरक डालते हो, अब 100 दफ़ा सोचते हैं भाई इतना महंगा, इतना ही डाल लेते हैं, तो वो बस क्या करें बच्चे, ये तो फिर सबके साथ ही है, लाइफ के साथ चलता है, पार्ट ऑफ लाइफ। कभी अप हो जाता है, कभी डाउन हो जाता है, गर्म सर्दी, ये सब कुछ चलता है, ये जिंदगी है। तो उम्मीद है कि ये आपको मेरी लहसुन अदरक की पेस्ट जो अच्छा है। अब इस पेस्ट को, इसी पेस्ट को आप जो है ना बर्फ वाले क्यूब जो होते हैं, बर्फ वाले जो हम बनाते हैं ना, सांचे जो होते हैं, उसमें डाल के क्यूब भी बना के रख सकते हैं।
वो भी बड़ी अच्छी, वो भी इजीली हो, क्यूब निकाले तो आपने डाल लिया, हाँ, वो क्यूब निकाले आपने, एक क्यूब डाल लिया दो, या आप लहसुन को अलग पीस लें और अदरक को अलग पीस लें, उसके भी क्यूब्स बना के रख। मैं आपको बताऊंगा कि वो मैं कैसे करती होती हूँ। मैं अदरक जो होता है ना उसको बारीक बारीक काट लेती हूँ या कद्दूकश कर लेती हूँ, और लहसुन को भी ऐसे कद्दूकश करके उसकी मैं जैसे करती ना वड़ियाँ जिसे कहते हैं, इतनी इतनी सी टुकड़ियाँ उसकी बना के ट्रे में रख के छोटी छोटी सी, तो वो मैं बना के रख लेती हूँ आराम से, एक उठाई या दो उठाई तो वो हंडिया में साले में डाली तो मसाला तैयार हो जाता है झटपट झटपट। लहसुन अदरक की पेस्ट तैयार है और उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगी, और आप बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि ये किस तरह हमने लहसुन अदरक की पेस्ट बनाई है, आपके लोगों की कैसी रही, कैसी रही। ये आपकी हफ्ता पूरा निकल जाएगी लेकिन ये ग्रीन नहीं होगी, ग्रीन नहीं, ये 15 दिन भी बड़ी रहेगी तो ग्रीन नहीं होगी, ठीक है ना, इस पर कुछ नहीं होगा, ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी, आप बनाइएगा ज़रूर और बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।